नया लैपटॉप लेना है 30,000 के अंडर लेना है, और अभी तो अमेज़न की सेल चल रही है उसमें लैपटॉप लेना है, या बाद में भी कभी लैपटॉप लेना है, आपके लिए मैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000 की वीडियो लेके आ गया हूँ। टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हमारा लैपटॉप है Acer Aspire Lite, भाई इस रेंज में सबसे सस्ता लैपटॉप, सबसे अफोर्डेबल लैपटॉप है। क्यों? i3 का 12 15U प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है आपको, 8GB की DDR4 RAM, 512GB की आपको SSD, MS Office देखने को नहीं मिलता। बहुत भाई मेरे को दुख हुआ, MS Office दे देना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, आप अपना थोड़ा जुगाड़ कर लेना। 30,000 का ये लैपटॉप है, अगर आप SBI या ICICI का क्रेडिट कार्ड आप लगा दोगे, आपके भाई मैंने पैसे बहुत ज़्यादा बचवा दिए। मैं बता रहा हूँ आपको, 26,000 का पड़ेगा सिर्फ, कोई टेंशन की बात नहीं है। Acer Aspire भाई बढ़िया लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती इन प्राइस रेंज वाले लैपटॉप्स की, क्योंकि भाई बहुत अफोर्डेबल लैपटॉप से आप उतना हैवी वर्क नहीं कर पाओगे, पर आप अपना वर्ड हो गया, PPT वाला काम हो गया, बेसिक एडिटिंग हो गई, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा लैपटॉप है HP 15S, Ryzen 3 का 5300U प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8GB की DDR4 RAM, 512GB की आपको SSD, MS Office भी आपको देखने को मिलता है, तो आपके कॉलेज वर्क हो गए या स्कूल वर्क हो गए, आराम से आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 27,700 का पड़ेगा अगर आप कार्ड लगा लेते हो, नहीं लगाते हो कोई टेंशन नहीं है, 30,000 का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हमारा लैपटॉप है Dell 15, भाई Dell भी इस रेंज में आ गया है। कैसे मैं कह रहा हूँ, i3 का 12 15U आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो सेम Acer Aspire Lite में आपको देखने को मिल रहा था, 8GB की सेम RAM देखने को मिलती है, 512GB की SSD, MS Office भी है इसमें, ये 29,490 का है, 35,000 का वैसे मिल रहा है, कार्ड ऑफर लगा लेना भाई, नहीं लगाया तो मेरे से बात कर लेना, इंस्टा पे DM कर देना, थोड़ा करते हैं यार जुगाड़ आपके लिए। अगला हमारा फर्स्ट नंबर पे लैपटॉप है, वो है Asus VivoBook Go 14, Ryzen 3 का 7320U प्रोसेसर है इसमें, 8GB की RAM है, 512GB की SSD, MS Office भी है इसमें, LPDDR5 RAM है इसमें, ये ध्यान रखना। इसी रेंज में एक ही लैपटॉप है जो रेस में आगे निकल चुका है रैम के मामले में, LPDDR5 के रैम के मामले में, 27,700 का मिलेगा अगर आप कार्ड ऑफर्स लगा लेते हो, वैसे 30,000 का मिल रहा है ये। भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स है, वैसे ये 1, 2, 3 वो नहीं थे कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा अच्छा है उस रेंज में, मैंने बस आपको बता दिए, इसमें आपको जो अच्छा लगे ले लेना। मैं होता अगर आपकी जगह तो या तो HP 15S ले लेता, या तो मैं Asus VivoBook Go 14 ले लेता, मेरी भाई मर्जी, मेरे को बड़े पसंद है यार HP और Asus के लैपटॉप। सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मेरे को बताना आपको कौन सा लैपटॉप पसंद आया, और ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।